तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि दोस्तों अब हम बात करने वाले पीएनबी एटीएम का पिन आप कैसे जनरेट करोगे, इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पिन बनाने के बारे में मैंने बताया था, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि भाई हमको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पिन कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। तो बिल्कुल रियल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी लाइव चल के एटीएम में। तो भाई दोस्तों देखते हैं कैसे जो पीएनबी का एटीएम कैसे इसका पिन बनाया जाता है, पूरा डिटेल्स हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड कमल स्टार्ट करते हैं, वीडियो आखिरी तक देखिए, पूरा स्टेप समझ लीजिएगा। नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मेरा पिन नहीं बना और ये सारी प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आपके पास तीन चीज़ होना जरूरी है। आपका रजिस्टर्ड जो बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो होना चाहिए, जो नया वाला एटीएम आया वो होना चाहिए, ठीक है, और आपका पासबुक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारा लेकर आपको चलना होगा एटीएम में। उसके बाद आइए लाइव प्रोसेस मैं खुद ही दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेकर गया हूँ, कैसे कैसे पिन बनाया हूँ, आइए पूरा पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड कमाल वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एटीएम पाने के 48 घंटे बाद ही एक मैसेज आती है, ओटीपी आती है। अगर ओटीपी आप पर नहीं आती तो क्या करना होगा, एक मैसेज भेजना होगा। तो जो मैसेज भेजना आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो उस बैंक से लिंक है उस नंबर से आपको लिखना होगा डीसी पिन, ठीक है, जैसे साइड में आपको दिखा रहा हूँ डीसी पिन लिखकर और स्पेस देना है। स्पेस देकर जो नया वाला कार्ड नंबर है, नया वाला एटीएम का 16 अंक का, वो कार्ड नंबर आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, डीसी पिन लिखकर वो कार्ड नंबर लिखकर और आपको सेंड करना होगा किस नंबर पे, यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने उस नंबर पे भेजना होगा, ठीक है, 56070 और यहाँ पे 40, ठीक है, यही नंबर, इस नंबर पे आपको सेंड करना होगा। जैसे ही सेंड करेंगे उधर से कुछ ही टाइम बाद एक यहाँ पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा और इसी नंबर पे सेंड करना है। ध्यान रहे, मैसेज आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही सेंड करना है जो आपके नंबर आपके बैंक से लिंक है, इस वाले अकाउंट से लिंक है, ठीक है। उसके बाद कुछ ही टाइम में आपको एक ओटीपी आएगी जो 6 अंक की होगी, यहाँ पे देख रहे हैं 5095909 जो हमारी ओटीपी है। अब इसी ओटीपी को लेकर हमको क्या करना होगा, अपना नया वाला एटीएम लेकर और चलना होगा हमको पीएनबी के एटीएम पर, ठीक है। पीएनबी के एटीएम पे आए हम चलते हैं। तो लाइव यहाँ पे आ चुके हैं हम पीएनबी के एटीएम पे और उसके बाद क्या करना होगा, पीएनबी के एटीएम में आने के बाद आपको अपना यहाँ पे अपना मोबाइल लेते आना, अपना नया वाला एटीएम लेकर आ जाना है, ठीक है, दोनों चीज़ लेकर आना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अपना एटीएम को इस तरह से स्वाइप करना है। एटीएम जैसे ही स्वाइप करेंगे आपके यहाँ मशीन के आगे कुछ इंटरफेस कुछ यहाँ पे मेनू शो होगा, देख सकते हैं, बैंकिंग है, फास्ट कैश है, बैलेंस इंक्वायरी है और इधर इस साइड में आपको मिल जाता है आधार के लिए, फिर चेंज पिन है, फिर रजिस्ट्रेशन है और इस तरह से है। लेकिन हमको जो पहले लाइन में जो दूसरा वाला लिख रहा है चेंज पिन, जो दूसरे नंबर पे पहले लाइन में, उसको हमको यूज करना होगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेंज पिन वाला ऑप्शन है, इस वाले पिन को यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो चेंज पिन वाला, ध्यान दीजिएगा, इधर से दूसरे वाले नंबर पे बिल्कुल बारीकी मैं आपको समझाता हूँ, देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब कह रहा है कि जो आपको ओटीपी मिला है जो ग्रीन पिन, उसी को ग्रीन पिन कहते हैं, ठीक है, जो ग्रीन पिन आपको मिला है वो आप फिल करिए। जो ओटीपी आता है उसे ग्रीन पिन कहते हैं, वो 6 अंक का होता है, वही आपको फिल करना होगा। तो यहाँ से आप अपना ग्रीन पिन दे दीजिए 6 अंक का, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम इनपुट कर लेते हैं अपने ग्रीन पिन को और ग्रीन पिन कैसे मंगाया जाता है मैंने आपको बताया ही है, तो इस तरह से मंगा लीजिए। उसको यहाँ से आप अपना ग्रीन पिन दे दीजिए, जो देख लीजिए जो मैसेज आया था 6 अंक का 5090 और जो 40 था, जैसे 6 अंक का जो था वही आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाल दिया, ध्यान रखिए ग्रीन पिन आपको मंगाना मैंने पूरा बता दिया, ध्यान से आप वहाँ से ग्रीन पिन मंगा लीजिए, ग्रीन पिन वही होता है और नहीं कुछ होता है, ठीक ना। तो ग्रीन पिन यहाँ से आप डाल दिए, मैंने डाल दिया यहाँ से, अब हमको यस कर देना होगा, ठीक है। अब देखिए दिखा रहा है पिन चेंज करने के लिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन और यहाँ पे कह रहा है प्लीज इंटर योर न्यू पिन, मतलब अब नया पिन आप कौन सा आप बनाने वाले हैं, 4 अंक का वाला पिन डालना होगा, ठीक है, जो नया वाला पिन आपको बनाना है वाला पिन यहाँ से इनपुट कर दीजिए और वो इनपुट करने के बाद फिर इंटर भी करना पड़ता है, दोबारा भी वही पिन डालना होता है। तो आइए यहाँ से पहले हम डालें इस पिन को, तो यहाँ से मैंने जैसे पिन ले लिया 4 अंक का, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब री इंटर कीजिए, दोबारा डालिए, तो फिर आपको दोबारा भी वही वाले पिन डाल देना है, दो बार वही सेम पिन डालिए, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से मैंने दोबारा भी पिन डाल दिया, अब कन्फर्म हो गया, ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट, और यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे वेट करेंगे आप यहाँ पे पिन बन जाएगी और पिन बनने के बाद यहाँ पे देख लीजिए पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल पिन चेंज हो चुका है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर मैसेज भी जाएगा कि आपका पिन बन चुका है और 5 मिनट बाद आप अपना यहाँ पे एटीएम वगैरह यूज कर सकते हैं बिना किसी झंझट का किसी भी एटीएम में। और आप यहाँ पे एक काम करिएगा, जैसे यहाँ पे पिन बदल जाए अपना एक ट्रांजेक्शन इस एटीएम से कर लीजिएगा, नहीं कुछ तो अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा,
ताकि एटीएम मतलब वर्किंग में हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्किंग में हो जाएगी। तो फ्रेंड आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। फ्रेंड पीएनबी के बैंक से जुड़ी हुई कोई भी हेल्प आपको चाहिए या पीएनबी एटीएम से कुछ भी किसी भी बैंक के बारे में जानकारी चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट और प्यार करते रहे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पिन अगर बन गया हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।